सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल 8 बजे प्राइम टाइम रोजाना आते हैं। आज जरा हटके में सोमवार को आपसे बात करते हैं साधन जय जिनेंद्र के साथ। हटके बात कर रहे हैं आपसे, दर्द की बात कर रहे हैं, पीड़ा की बात कर रहे हैं, अपने समाज की बात कर रहे हैं, हम अपने परिजनों की बात कर रहे हैं। हम पुलिस पर जो हाथ में हाथ धरकर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हर वर्ष 50,000 लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में हमारी फंस जाती है। दृश्य दिखा रहे हैं आपको नागपुर के, समय हम 19 जून के सरेआम सड़कों के ऊपर का दृश्य है। 25 साल का मोहम्मद सिद्दीकी बाइक चला रहा है, 19 साल का समीर सलीम खान पीछे बैठा है, बीच में एक लड़की बैठी है 19 साल की कियारा। कहा जाता है 3 साल तक इन सब में कियारा और सलीम में लिव इन रिलेशन है। कहते हैं उसको प्यार में फंसाया, दोनों पहले टिकटॉक पर बनाते थे अपनी वीडियो, फिर जब टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम पे आ गए, बहुत पॉपुलर हो गए। और बीच में फिर एक दिन उसे बीच में राहुल नाम का लड़के का नंबर मिलता है कियारा के मोबाइल के अंदर, वह भड़क जाता है और फिर 18 तारीख को यानी एक दिन पहले इसका अपहरण कर लेता है। और 19 तारीख का दृश्य आपके सामने आ जाता है, किस तरीके से मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, बाल खींच रहा है, तड़पा रहा है और लोगों को कह रहा है वीडियो बनाओ। आखिर हद हो जाती है, पुलिस पर पकड़ के ले जाते हैं लोग उसको, सलीम को, वहां जाके FIR करने को कहते हैं लड़की, और लड़की मना कर देती है, डर जाती है, सहम जाती है, उसको किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। पर ये दृश्य क्या हो रहे हैं एक बार सुन लेते हैं आप सबके साथ। मैं सबको बोलना चाहता हूं, मैं समीर, ये ना इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं करा, क्या क्या नहीं करा इसके लिए मैंने, इनने मेरे को दे दी धोखा किसी दूसरे के साथ, और राहुल भीम का दीवाना उसके साथ भिड़ी हुई थी, इसको लगा कि मैं तो जल्ला दू, है ना, पहले तो जल्ला दू इसको, जरा सा भी ये नहीं लगा, तरस नहीं आया मेरे पे, मेरे को धोखा दे दिया। मेरी गर्लफ्रेंड है कियारा, इधर उसे थाने में बंद करवा देते हैं समाज वाले लोग, जो देखते हैं सड़क पर, क्योंकि देख नहीं पाते हैं दृश्य को। पर अफसोस तब होता है जब लड़की 2 दिन बाद एक वीडियो वायरल कर देती है अपना, कहती है हम तो प्यार करते हैं आपस में, वो कसूरवार नहीं है, उसने कोई उत्पीड़न नहीं किया, और राहुल जिसका नंबर उसने देखा था वो तो मेरा मुंह बोला भाई है, हमारे साथ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता है, यानी सब कुछ सामने दिखते हुए भी लड़की पता नहीं क्यों इस तरह का वीडियो वायरल करती है। जरा सुन लीजिए आप, क्या बोल रही हूँ, मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, ये कुछ भी नहीं है, पेपर में, न्यूज में आपने पढ़े होंगे कि मेरा बलात्कार हुआ, मेरा कुछ बलात्कार नहीं हुआ, किडनैप किए, ये कुछ भी नहीं, सब झूठ है, मैं 3 साल से रिलेशन में हूँ समीर के साथ, मेरे से सब कुछ भी नहीं हुआ, वो भी इनका दीवाना राहुल, ये मेरा भाई है, हम एक रील बनाए थे, हम एक टिकटॉकर है, मेरे से कुछ गलत गलत हुआ ही नहीं है, वो हम आप सब लोग जातिवादी कर रहे हैं, उसका नाम है भी इनका दीवाना। महाराष्ट्र से अब गुजरात ले आते हैं, दूसरी कहानी की दशा दिखाते हैं। लड़की को किसी तरह थाने ला जाता है, परिजन भी आते हैं, पुलिस वाले भी समझाते हैं कि तेरे पिताजी ने 3 दिन से अन्न नहीं खाया है, भूखे हैं, प्यासे हैं, बस तू उनकी बात मान ले। लड़की साफ कहती है क्यों नहीं खाया, अब जाओ तुम खाओ और इसके लिए खुशी मनाओ कि लड़की तुम्हारी जा रही है। कुछ नहीं सुनती है, उससे कहते हैं कि तुझे मांस खाना पड़ेगा, कहती खा लूंगी, तू 2-3 साल में वापस आना, लिख कर ले लो मुझसे वापस नहीं आऊंगी। यानी क्या बात करती है, हमारी लड़कियां किस तरह मोह जाल में फंस जाती है या किस तरह फंसा जाता है, एक दृश्य इसका भी एक आईना देख लीजिए, कड़वे सच का आईना। देख एक बात तो क्लियर बेटा, कि तू नाते सुखी नहीं रहे, मैं उसके साथ खुश रहूं, 3-4 महीनों में 12 महीनों में तलाक दे छोड़ी, ये बात तो पक्का है, सब मैंने बहुत केस देखे ऐसे, नहीं होगा, आपको लिख के चाहिए, मैं लिख के दूंगी इसी पुलिस स्टेशन में, आज ही लिख के दूंगी। तू 2 साल के बाद रोती इधर ही आएगी, नहीं आऊंगी, मैं कह रहा हूँ आएगी बेटा, नहीं आऊंगी, आपको गारंटी होना मैं लिख के दे सकती हूँ, गारंटी होना मैं लिख के दे सकती हूँ। अरे कई लिखे देवा वाली नाले वैसे मंदिर धके बैठी बैठी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा ओपरे नहीं होगा। ओपरे कई नाले वैसे रिया है समाज, हिंदू समाज की छोरियों बेचती होगी, लेकिन सिर्फ 3 बार तलाक इसके वे लोग, 3 बार तलाक इसके वे लोग, खाली मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बस मुझे यकीन है उन पे, उनको अरे आते अड़ो 100% भी नहीं, तो खाली 3-4 साल ही चवा दे बस, नहीं होगा। अरे वन व्यक्ति रे घरे 2 किलो चावल नहीं है, वो तो कहाँ खड़ा है, वो ही सतुष्ट ठीक है, मारा ज्यादा मारा पिया वो सब ज्यादा, मारे सही सही नहीं है, मुझे ज्यादा पैसे है सबकी लालच है ही नहीं। अरे मन्ने घरे 2 रुपया नहीं है, मन्ने घरे वो आदमी तर कौन दे बेटा, नहीं बस आज बाप अतरो बाप थारे कमावे रही, थारे होना हूद करावी, अच्छी जगह तन पन्ना भी थने अच्छो घरोनो, तू कई जानो जो तू समाज में जो कोई सोरो पसंद करे मन सोरा पन्ना मन प्यारो बोल, मुझे इन सब में शौक भी नहीं है, मुझे ये सब होना भी नहीं, बस मुझे जो है वो ही होना, बस कुछ नहीं होना दूसरा, मुझे मर गई क्या भी समझो, बस छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, भूल जाओ सब कुछ, ठंडा है मैं लोग जो मेमोरी टीम भरे रही है, टीम है और माता अन्न नहीं दी दो,
पता है नहीं लिया होगा। दोपहर में खाना खाने के हम लोग जा रहे थे तो फोन आया मेरे पास, बोले वहाँ जाओ, बोले तो हम लोग खाना ऐसे प्लेट छोड़ के वहाँ निकल गए। अभी खाना खाने बैठने वाले थे जाके तो फोन आया, बोले ला गए तो वो भी थाली छोड़ गए। सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग, अन्न नहीं कह रहे हैं सुबह से। बोलो छोड़ दो, मेरी खुशी में गई एक लड़की, इस खुशी में खाओ जाओ। बेटा तेरी खुशी ने क्यों समाज की इज्जत बर्बाद कर रही यार, प्लीज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ यार। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मत समाज की इज्जत बर्बाद कर यार, इसकी जरूरत नहीं है। देख मत समाज की इज्जत नीलाम कर, कुछ नहीं सुनने का, बस कुछ नहीं सुनने का। आपका समाज आपको मुबारक बस, और आगे आप देखो अपने समाज में भी आगे और भी कुछ ऐसी लड़कियां होगी जो ऐसा बीच में कर रही होगी, आप उनको देखो प्लीज। लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लड़की थी ऐसा करी, वो इतना बोल के गई थी, इतना आप करो बस, इतना कर लो कि एक लड़की थी ऐसा बोली इतना करी, तो आगे आपको मालूम होगा कि और कोई ऐसा करेगी बोल के भी। आगे आप ध्यान रखो, इतना ही मैं बोल रही हूँ, इसको चाहे तो आप रिकॉर्ड करके रख लो बस। लेकिन मैं बस अभी कुछ और दूसरा बोलना नहीं चाहती। अरे समाज की कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तुम मौस खाओ नहीं तैयार हुई रही, जो भी होगा चले। त्रिमूर्ति कॉलोनी गुना की बात करते हैं, जहां पर लक्ष्मी जी जिनके पति का देहांत 13 साल पहले हो जाता है, वह जनवरी 2018 में यहां की कोतवाली के थाने का खटखड़ाती हैं दरवाजा, अनुरोध करती हैं इस पत्र के साथ कि मेरी छोटी बेटी का कीर्ति जैन का अपहरण कर लिया है वसीम ने, एक मुस्लिम युवक ने, और उसका बड़ा भाई आके हमें घर पर बहुत धमका रहा है। पहली बार अपहरण नहीं किया, 2-3 बार पहले कर चुका है उनकी नाबालिग लड़की का, और अब जैसे ही बारी हुई है एक बार फिर अपहरण करके ले चुका है। इस पर पुलिस कार्यवाही करती है और कार्रवाई करते हुए वह गुमशुदगी की रिपोर्ट बनाती है कि इनकी लड़की हमारे यहाँ, यह आई हमारे यहाँ, इनकी लड़की मोबाइल लेकर घर से चली गई है और अभी लापता है, उसने सलवार सूट पहना, ये करके एक फौजी कार्रवाई हो जाती है। हकीकत में आगे चलते हैं तो पता चलता है लड़की उससे शादी कर लेती है, निकाह कर लेती है, और 1.5 साल में उसकी एक बच्ची हो जाती है। वो आके जनरलगंज में रहने लगते हैं और उसके बाद कहानी क्या होती है यह पता नहीं चलता। शनिवार को मालूम चलता है जब उसकी बॉडी को कब्रिस्तान में दबाने के लिए ले जा रहे थे लोग, उन मुस्लिमों को देखकर समाज चौंक जाता है। वो पता चलता है कि लड़की वही कीर्ति जैन है, लाकर आते हैं थाने में, शोर मचता है और फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, और फिर पोस्टमार्टम के अंदर रिपोर्ट आती है कि वह जहर खाकर मर गई। आवाज आती है परिवार वालों से कि उसको दहेज के कारण प्रताड़ित किया गया और उसको मार दिया गया, या जहर दिया गया, या जहर मजबूरन डाला गया। यह कहानी एक हकीकत को खोलती है। शुरुआत कहां होती है, अंधे हो जाते हैं प्यार के नाम पर और मृत्यु को आखिर में मौत के कुएं में स्वयं अपने को धकेल ले जाते हैं, ना घर पहुंच पाते हैं ना वह रह पाते हैं, और मौत ही केवल आकर दस्तक में उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। मृत्यु तक यह लव जिहाद की कहानी पूरी नहीं होती है। आनन फानन पोस्टमार्टम के बाद सिर्फ के जहर से उसकी मृत्यु हुई, उसको अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी जाती है पुलिस द्वारा, मुक्ति धाम पहुंच जाती है। चित्र मुक्ति धाम में पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस कैसे वहां पहुंची आनंद परिवार को लेके। फटाफट चिता लगाओ बे, आग लगाओ, खत्म करो बात को। पहली बार चिता में आग लगती है, आग बुझ जाती है, दूसरी बार लगती है बुझ जाती है, तीसरी बार लगती है बुझ जाती है, जैसे वो कह रही है अभी न्याय पूरा नहीं हुआ, न्याय किए जाए तब मुझे अंतिम संस्कार किए जाए, क्योंकि अगर अंतिम संस्कार में अग्नि से कर दिया गया तो कोई ना सबूत बचेगा ना कुछ बचेगा, और अगर कब्रिस्तान में लाके दफनाया गया तो कानून आजकल दोबारा लाश को निकलवाकर पोस्टमार्टम करके उसकी जांच को फिर दोबारा डाल देता है। तो क्या पुलिस भी इसमें कुछ शामिल है, क्या चाहती है पुलिस, जिसका एक निकाह हो गया है, शादी मुसलमान हो गई है, तो उसको कब्रिस्तान की बजाय क्यों इस मुक्ति धाम में चलाया जाता है, और मुक्ति धाम में संस्कार से पहले पोस्टमार्टम क्या सही नहीं किया जाता, या सबूतों को दबाना जाता है, या लव जिहाद की कहानी को कहीं फाइल बना के फिर बंद कर दिया जाता है और एक कई नई फाइल का इंतजार शुरू हो जाता है। समाज के लिए आंख खोलने वाली बात है, परिवार के लिए और कानून के लिए और पुलिस महकमे के लिए भी। फिर मिलेंगे एक दर्द की स्टोरी के साथ आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।